हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग हट। आज की हमारी रेसिपी है रोटी पिज़्ज़ा। रोटी से पिज़्ज़ा हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटी से पिज़्ज़ा बनाना। तो सबसे पहले हमने सारे वेजिटेबल्स को कट कर लिया है, जिसमें कि हमने लिया है प्याज, गाजर, टमाटर, बीन्स, थोड़ी सी हरी मिर्च, स्वीट कॉर्न और अमूल का चीज़ एंड पिज़्ज़ा सॉस। इन वेजिटेबल्स को हम थोड़ी देर के लिए सेलो फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी और जितने भी वेजिटेबल्स हैं हम इसको सेलो फ्राई करते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल ज़रा सा फ्राई करेंगे, बहुत देर तक नहीं करेंगे। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अगर आप इसमें चाहें तो जरा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम रोटी लेंगे, रोटी के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस से उसकी टॉपिंग्स लगाएंगे और उसके बाद सारे वेजिटेबल्स जो हमने सेलो फ्राई कर रखे हैं उसको भी रखेंगे उसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ की टॉपिंग्स लगाएंगे, जो कि हमने अमूल का यूज़ किया है। आप जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। चीज़ की टॉपिंग्स हम थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे ताकि दिखने में बहुत यम्मी लगेगा और खाने में भी। हमारा पिज़्ज़ा पूरी तरह रेडी है। अब इसको हम कढ़ाई में 2 से 3 मिनट, अगर आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कढ़ाई में दिखा रहे हैं क्योंकि हर किसी के पास ओवन अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको कढ़ाई में बेक करेंगे। चलिए दिखाओ। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि हमारे जितने भी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स हैं वो सारे बेक हो जाए अच्छी तरह और फिर पिज़्ज़ा खाने के लिए रेडी हो जाए। अब ये हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी, तो इसको हम सर्व करेंगे और इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनो एंड चिली फ्लेक्स भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।